हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन एयरफोर्स अप्रेंटिस के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए समय समय पर अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी करती है। इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट इंडियन एयरफोर्स अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के माध्यम से इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इंडियन एयरफोर्स अप्रेंटिस के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे इंडियन एयरफोर्स अप्रेंटिस के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होती है, इंडियन एयरफोर्स अप्रेंटिस कैसे करें और इंडियन एयरफोर्स अप्रेंटिस की सैलरी कितनी होती है, इससे जुड़ी तमाम जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दूंगा। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स अप्रेंटिस ट्रेनिंग के माध्यम से अलग अलग पदों की भर्ती के लिए अप्रेंटिस भर्ती नोटिफिकेशन जारी करती है। इंडियन एयरफोर्स अप्रेंटिस भर्ती की नोटिफिकेशन शॉर्ट में IAF अप्रेंटिस के नाम से जारी करती है। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स में अप्रेंटिसशिप करने के लिए सबसे पहले आप 10वीं कक्षा पास करें, उसके बाद आप किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा पास करें और मान्यता प्राप्त संस्थान से ITI डिप्लोमा करें। दोस्तों, ITI डिप्लोमा करने के बाद इंडियन एयरफोर्स अप्रेंटिस के लिए आप अप्लाई करें। इंडियन एयरफोर्स समय समय पर अप्रेंटिस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी करती है। जब IAF अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकलती है उस समय आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद रिटन एग्ज़ाम, फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट आपको क्लियर करना होगा। सभी टेस्ट में सफल होने पर इंडियन एयरफोर्स अप्रेंटिस के लिए के तौर पर आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों, बात करें इंडियन एयरफोर्स अप्रेंटिस के लिए क्वालिफिकेशंस की, तो इसके लिए कैंडिडेट किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं और 12वीं कक्षा पास किया हुआ होना चाहिए और मान्यता प्राप्त संस्थान से ITI डिप्लोमा रिलेटेड ट्रेड में पास किया हुआ होना चाहिए। दोस्तों, कैंडिडेट के पास 10वीं, 12वीं और ITI डिप्लोमा होना चाहिए। कैंडिडेट की मिनिमम एज 14 साल हो सकती है और मैक्सिमम 21 साल हो सकती है। एज लिमिट में रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को नियम के अनुसार सरकार के द्वारा कैटेगरी वाइज कुछ छूट दी जाती है। OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट दी जाती है। वहीं SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को मैक्सिमम एज लिमिट में 5 साल की छूट दी जाती है। दोस्तों, बात करें इंडियन एयरफोर्स अप्रेंटिस के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट्स की, तो इसके लिए कैंडिडेट की हाइट कम से कम 137 सेंटीमीटर होनी चाहिए और कैंडिडेट का वजन 25.4 kg होना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इंडियन एयरफोर्स अप्रेंटिस जॉब कैसे पाएं। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स अप्रेंटिस जॉब पाने के लिए सबसे पहले आप 10वीं कक्षा पास करें, उसके बाद आप किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा पास करें और मान्यता प्राप्त संस्थान से आप ITI डिप्लोमा करें। दोस्तों, ITI करने के बाद इंडियन एयरफोर्स अप्रेंटिस के लिए आप अप्लाई करें। इंडियन एयरफोर्स समय समय पर अप्रेंटिस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी करती है। जब इंडियन एयरफोर्स अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकलती है उस समय आपको अप्लाई करना होगा। दोस्तों, अप्लाई करने के बाद आपको रिटन टेस्ट पास करना होगा। रिटन एग्ज़ाम पास करने के बाद स्किल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट आपको पास करना होगा। दोस्तों, फिजिकल टेस्ट में सफल होने पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। दोस्तों, मेडिकल टेस्ट में सफल होने पर अप्रेंटिस के लिए आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स अप्रेंटिस को 8,855 रुपये मंथली स्टाइपेंड के तौर पर मिलती है। अप्रेंटिसशिप पूरा होने के बाद पोस्ट के अनुसार इन्हें सैलरी मिलती है। दोस्तों, रिटन एग्ज़ाम, स्किल टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के माध्यम से इंडियन एयरफोर्स अप्रेंटिस का सिलेक्शन होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि इंडियन एयरफोर्स अप्रेंटिस के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।